Hi babies, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you have landed here for the very first time. Hope you subscribe to my channel, click on notification bell so don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram, Twitter, Facebook. Sagi Sai link in the description box. Namaste, this is Dvija aur kaise hain aap? Hum dekh rahe hain Driving, Gurleen Pannu stand-up comedy. Let's go, let's get it. Har baaki tarah umeed hai video jayega. रहेगा मजा आएगा. दिस इज सेकेंड टाइम वी आर डूइंग हर्स. आई लव्ड लास्ट वाला जो किया था. आई थिंक ये वाला ज्यादा फेमस है जो हमने किया था उससे. दैट वाज दिस द रीसेंट वन. सो लेट्स गो एंड सी. हमने जितने भी लोगों के रिएक्ट किया था उस प्रीटी गुड रोड शो में, इफ देयर इज एनीवन यू वांट मी टू रिएक्ट टू, लेट मी नो इन दिस वीडियो कॉमेंट सेक्शन में. सो वील एक्सप्लोर मोर ऑफ देम दैट वे. आज और कोई वीडियो आया भी नहीं है. सो आई एम गोना ट्राई माई बेस्ट टू डू अ लाइव, बट नॉट ऑन दिस चैनल, व्लॉग चैनल पे. ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा. इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड यू आर मिसिंग आउट, सो बेटर डू इट. लेट्स गो, लेट्स गेट इट, प्ले. ड्राइविंग सही हो गया अभी. मैं देखा टाइम पे चीजें सीखना ना लाइफ में बहुत जरूरी है. टाइम पे चीजें कर लेनी चाहिए, सही रहता है. अच्छा, मैं थोड़ा लेट हो गई. मैंने बहुत चीजें लेटर इन लाइफ सीखी और अब ढंग से नहीं सीख पा रही हूँ. रिसेंटली मैंने गाड़ी चलाना सीखा है और मुझसे तो नहीं चलती. कितने लोग हैं गाड़ी चलाते हैं? बहुत. तुम लोग हो जो मुझे सड़क पे गालियां देते हो. भाई मुझसे नहीं चल पाती यार. तुमने देखा लर्नर्स कार पे एल लिखा होता है? हाँ. मेरे पापा ने लिखवाया वेरी एल. वेरी लर्नर्स. नेवर हर्ड ऑफ इट बट वेरी लर्नर्स. गाड़ी चलाती रही हूँ मैं जीटी और वाई सिटी में मिशन करने. टैक्सी में बैठ के जाती थी. मैं मोड इतना खराब काटती हूँ. तुमने देखा इंडिकेटर में आवाज आती? ऐसा लगता मुझे लांगते दे रहा कि मैंने आज तक ये देख के मोड़ी नहीं के जाना कहाँ है. मैंने हमेशा देखा है रश कहाँ कम. अगर टी पॉइंट आ गया, दो मोड़ आ गए हैं, तो मैं पार्किंग लाइट ऑन करती हूँ कि पीछे वाला गेस करेगा कहाँ मुड़ेगी. और मैं सीधा बेचारा जो ये गाड़ी सीधी बैक तो मैंने आज तक नहीं करी. सीधी नहीं चला पा रही, बैक क्या ही कर लूंगी. Okay. तुम सड़क पे निकलो ना, कई बार तुम्हें लोग मिल जाते हैं कि मैम यहाँ से काट के बैक करके यहाँ लगा लो. मैं तो सीधा बोलता, मैं कहा हम बैक नहीं करते, असी जाटुन्ने आ. कोई मरमर आ जाए आपसे, है ना. लोगों को सड़क ही क्रॉस करनी नहीं आई. सड़क क्रॉस करने के पीछे एक लॉजिक लगाया, गाड़ी चलेगी मैं चल दूं. गाड़ी रुकेगी मैं रुक जाऊं. मेरी गाड़ी के आगे माइकल जैक्सन बनाओ. मुझे मैं ब्रेक से नहीं रोक पाती. रुक जाऊंगी मैं. मुझे ये करता मैं हाथ की लकीरों में लाइफ लाइन देख तो कि आज जी पाएगा. एक्चुअली निकलता है ना ऐसा. यू डू इट ना. एक्चुअली मैं भूल जाती हूँ. क्या बता, मेरी मम्मी ने बोला मुझे सेब लेके आना. सेब वाला खड़ा था. मैंने कहा भैया कितने के दिए सेब? और मैंने ब्रेक ही नहीं मारी. वो खड़ा सोच रहा है, भाव पूछ रही थी, भाव खा के चली गई. मैंने गाड़ी चलाना सीखा अपनी मम्मी से. और मेरी मम्मी ने एक ही चीज़ सिखाई है, एक्सीडेंट हो जाए मानना ही नहीं. मेरी मम्मी नहीं मानती. मेरी मम्मी गाड़ी ठोक दे अगर, चाबी फेंक के खड़ी जाती, हम तो ऑटो पे आए. मेरी मम्मी ने रियर व्यू मिरर उतरवा के रखा. कहते मुझे डिस्ट्रैक्शन होती है. कहते मुझे लोग दिखते रहते हैं. खून में है, खून में आत्माएं थोड़ी. एक दिन इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ, पुलिस आ गई. मम्मी कार में से निकल के पुलिस के कंधे पे आकर के मुझे भाई साहब एक्सीडेंट हो गया. बहुत सैवेज है. फन में कार चलाती, 100 की स्पीड में जा रही होंगी, जहां ताजी सब्जी की रेडी दिखी वहीं ब्रेक. कौन देखती पीछे कौन आ रहा है? वो उनकी प्रॉब्लम है, वो घर से क्यों निकले. दे चोज डेथ. पीछे नैनो आ रही थी फुल स्पीड, 40 किलोमीटर प्रति घंटा. नैनो ने इतनी जोर से ब्रेक मारी, नैनो उल्टी हो गए. नैनो में पीछे से एक्टिवा बजी, नैनो सीधी हो गए. तकेशी कासल करा दिया मेरी मम्मी ने सड़क पे. जस्ट इमेजिन द होल सीक्वेंस. पहला डायलॉग क्या बोला? ध्यान से दरवाजा खोलियो, कई बार गाड़ियां आ रही होती. कोई नहीं आ रहा मम्मी, मर गए सारे.
इतनी लाश आपने इकट्ठी करी है, यमराज जी भैंस पे नहीं ट्रक पे आए, कन्विंस कर लेते लोगों को, भाई साहब आपकी भी गलती तो वाली, आप भी तेज आ रहे थे, हम भी तेज आ रहे थे, उनकी गाड़ी पार्किंग में खड़ी, वो पार्किंग वाली पर्ची लेके खड़ा है कि बहन जी मैं तो था ही नहीं यहाँ पे, मेरी मम्मी ने स्टैंड ले लिया, फिर आपको कैसे पता मैंने ठोकी? कैसे ठोकी? उनके एयरबैग हमारी गाड़ी में खुले हैं, आप डिक्की खोल के देखो उनका ड्राइवर बैठा है मैं हालत दिखा रही हूँ कि मम्मी इधर देख लो, तो मुझे ही कह रही है आप कौन है। एक दिन तो हद कर दी मम्मी ने, स्कूल छोड़ने जा रही है मुझे, सुबह सुबह का टाइम है, एक्टिवा पे जा रहे हैं, बस स्टॉप के सामने एक्टिवा ठोकी, एक्टिवा फेंक के कहती आ जा बस की वेट। ऑफकोर्स आंटी जी ऐसा नहीं करती होंगी, सुबह सुबह दो चलाक औरतें बस की वेट कर रही है हेलमेट पहन के। मम्मी की हरकतें देख के पापा ने सोचा कि अपनी कार नहीं देनी चाहिए, शी इज टू डेंजरस। तो 25th एनिवर्सरी पे मम्मी के लिए पिंक कलर की जेन लेके आ गए, ये मेरे पापा ने रोमांस कराया। जिसने गाड़ी बेची उसने पूछा सर ये आपने खरीदी के डाइजीन के साथ निकली? इतनी खराब दिखती थी वो कार, हमें स्कूल छोड़ने गए, आधा स्कूल खड़ा हुआ है कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के एनजीओ वाले आए हुए हैं। द डस्टी पिंक इज एक्चुअली वेरी अग्ली कलर, आई लव पिंक बट नॉट डस्टी पिंक। हाँ मेरे पास मेरी गाड़ी में तो पापा ने वेरियल लिखवाया, मम्मी वाली पे लिखवाया बचो। मैं तो छोड़ दिया, मैं ऑटो में ट्रैवल करती हूँ, ड्राइवर छोड़ दी मैंने, करते हो आप लोग ऑटो में ट्रैवल करते हो ना? कुछ ऑटो वाले अच्छा चला रहे हैं, कुछ ऐसे नहीं चला रहे कि मौत अभी तक क्यों नहीं आई, स्पेशली मुंबई वो तो ओवर कॉन्फिडेंट ऑटो वाले, मैडम मैं छोड़ दूंगा, कहीं कहीं छोड़ते। मैं नई नई दिल्ली में आई थी, मैंने एक ऑटो पकड़ा, पता नहीं उसको स्पीड से क्या प्यार था, अच्छा, मुझे बिठा के इतनी तेज रेस दी है, हमने जमाने पीछे छोड़े इंडिया के ऑटो वाले, तेज निकल, कह रहा वक्त से पहले पहुंचा दूंगा आपको, मैं कहा भैया भविष्य में जाना नहीं वक्त से पहले, इतनी तेज है फिर भी लोगों को गालियां दे रहा है, अंधा है क्या? मैं कहा तू तेज आ रहा है, हवा का झोंका है तू, हॉर्न मार रहा हॉर्न से पहले खुद पहुंचा हुआ। ऑटो में पोस्टर लगा हुआ था डोला रे डोला का, दोनों ने साड़ियां पकड़ रखी थी अभी, ये मारेगा मुझे, कहता दिल्ली में नए नया मैं घुमाता हूँ आपको, वो देखो लाल किला, तब तक गुड़गांव आ चुका था। She's too good. Why is she not more famous than she is already? इतना overconfident auto वाला मैंने देखा ही नहीं यार, इतनी तेज चला रहा है ना, ऐसे overtake कर रहा, सामने struck कर रहा, head on collision होने वाला है, मैं कभी अब तो ब्रेक मार दो, कह रहा मैडम मोमेंट बन चुका है अब देखी जाएगी, क्या देखेगा मौत, स्पीड ब्रेक कराया मुझे लगा धीरे करेगा, मुझे कहता कुछ पकड़ लो, मैंने मौत कहा था, मैं स्पीड ब्रेक कराया, ऑटो उछला, हम दोनों उछले, दोनों छत फाड़ के बाहर, कमीना फिर नहीं हट रहा, कह रहा वो देखो कुतुब मीनार कुतुब मीनार भी ऐसे नहीं ऐसे देखा है मैंने, इतनी ऊपर हूं मैं, इसको एक गाड़ी ने कट मारा, इसने इतनी जोर से ब्रेक मारी, ये शीशे पे मैं ऑटो मैडम गलत आ गया, हम बैक कर लो, मैं हम बैक नहीं करते ऐसी जाटू ने पागल है लोग जी, इसको सिर्फ 5 मिलियन व्यूज मिले, रिडिकुलस, मतलब मर जाओ तुम लोग, सॉरी टू से दैट बट आई मस्ट से इट, इतना अच्छा स्टैंड अप, व्हाट आर यू डूइंग इन लाइफ, लिटरली व्हाट आर आई डूइंग इन लाइफ बिफोर आई सॉ दिस, आई एम जस्ट ग्लैड एंड ग्रेटफुल दैट वी हैव गॉट हर, शी इज इनसेन, लाइक स्टार्ट से एंड तक देयर आर हार्डली लाइक फ्यू मोमेंट्स वेयर आई डू नॉट लाफ, एंड अगर आपने मुझे पहले से देखा हुआ है देन यू नो आई जस्ट डोंट लाफ एट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, इट हैज टू बी वेरी स्पेसिफिक, आई एम वेरी पिकी, मैं कुछ ऐसे जोक्स पे नहीं भी हंसती हूँ बिकॉज आई नो के सर्टन थिंग्स इज नॉट ओके फॉर मी, I'm that picky. If this kind of picky person can laugh so much, she's really good. She's really, really good. I see somehow Akash and Abhishek Ukmanyu in her. Not because वो similar है कोई भी तरीके से. It's just उनके stand-up मुझे इतने पसंद है. जब start से end तक I just laugh. I forget all my worries. I don't have any, first of all. But if I had, I forget them. ठीक है. And I just feel the same for her.
I'm gonna watch all of her videos with you guys on here. So if you guys are enjoying it, amazing, great. If not, really raise your standards for this. This is so good. This is so good, I have to say this. Imagine how good this is. Also, जो last हमने वो pretty good road show में देखा था, जो सरदार जी थे, I'm sorry to say it that way, but I don't think there's anything wrong बोलने में, but yeah, he was brilliant. जिनको लोग चिढ़ा रहे थे because they're old, insane. For me, I think pretty good road show में the best was definitely him. Yes, even before Samay for me. Samay was great as well. He's always amazing. But I am not the fan, like the type of fan jinka legend says, which I still try to pronounce. Okay. Yeah, jaisa unka humor hai, okay, jinko aisa humor pasand hai, finally I said it. Good for you, not that anything is wrong. But I don't really see a lot of point in only going for that kind of humor. I think I've seen Samay ke ek do stand-ups. I think ek dekha hai. It was brilliant. Mujhe bahut acha laga tha. And that certain kind of dark humor that I am okay with. But I'm just saying ke mujhe sabse zyada unka pasand aaya tha even before or more than Samay's. And I think I even said that for someone else, but I forgot for now. But jo bhi hai, I'm very grateful for that show because that's the only reason we have found her, and I'm very big fan of it. I don't understand why she has such less views, but I know it's gonna grow and it's gonna go up. That's it. This is just my verdict, theek hai? I feel like you just need to watch her. She's amazing. I enjoyed it so much. Anyway, see you guys next time. Thank you for coming to my TED Talk, and I'll see you guys next time. Bye, babies. Love you.